जहां आतंकियों से मुठभेड़ कश्मीर के बारामूला में जारी थी। और बारामूला में एलओसी के पास उरी अतलंका इलाके में सुरक्षा बल ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए 2 आतंकियों की तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। बताया ये गया है कि उरी अतलंका में आतंकियों के देखे जाने के बाद सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया था और इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और सुरक्षा बल ने फिर जवाबी कार्रवाई शुरू की और इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर रखा हुआ है। ये अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बारामूला में मुठभेड़ और उसमें 3 आतंकियों को मार गिराया गया। घुसपैठ की कोशिश जो आतंकी कर रहे थे उरी में उसे नाकाम किया गया और इस इलाके में 3 आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी, 3 आतंकी इस मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए, लेकिन पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है सुरक्षा बल ने। और कुछ तस्वीर भी आई है, एक आतंकी जो मार गिराया गया जिसकी तस्वीर सामने आई, लेकिन बताया जा रहा है 3 आतंकी यहां मार गिराए गए हैं। उरी में घुसपैठ की इस कोशिश को फिर एक बार नाकाम कर दिया गया है और ग्राउंड जीरो पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लगातार वहां की खबरें पहुंचा रहे हैं। कुछ देर पहले जिस तरह की जानकारी सामने आई, रिफत हमारे सहयोगी अब वो जानकारी देंगे। रिफत देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उड़ी में ऑपरेशन चला, 3 मिलिटेंट के मारे जाने की पुष्टि की है पुलिस और आर्मी ने। स्पेसिफिक इनपुट मिला था आर्मी को कि वहां से इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ की कोशिश हो रही है। फौरन उस एरिया को घेरा गया और जो फायरिंग हुई उसमें 3 मिलिटेंट मारे गए। पुलिस ने भी ट्वीट करके बताया और आर्मी ने यह बताया कि 2 बॉडीज जो हैं वो रिकवर की गई हैं, लेकिन जो तीसरी बॉडी मिलिटेंट की है वो अभी रिकवर नहीं हुई है क्योंकि पाकिस्तान पोस्ट जो है आर्मी का वहां से लगातार फायर आ रहा है, यानी अभी बॉडी रिट्रीव करने में शायद टाइम लग सकता है। लेकिन ये ऑपरेशन जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ये हतलंगा गांव है, ये बिल्कुल एलओसी के साथ सटा हुआ इलाका है जहां पर ये ऑपरेशन हुआ है। उसका मतलब है कि अभी इस रूट से भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही है क्योंकि उड़ी का जो एरिया है ये ट्रेडिशनली इन्फिल्ट्रेशन का रूट रहा है। 89 से लेकर अब तक लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें वहां से हो रही थी, चाहे गुरेज का एरिया हो, उड़ी का एरिया हो या टंगडार केरन करना का एरिया हो, वहां से लगातार इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। जहां पर हम हैं ये कुकरनाग में जो ऑपरेशन चल रहा है वहां पर भी हालांकि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें की जाती हैं दूसरे साइड से, यानी राजौरी पुंछ से कोई इन्फिल्ट्रेशन होती है, उसके बाद मिलिटेंट जो है वो शुपियां पहुंचते हैं, फिर कुलगाम पहुंचते हैं, फिर अनंतनाग पहुंचते हैं क्योंकि ये साउथ कश्मीर का एरिया है। लेकिन नॉर्थ कश्मीर में ये एनकाउंटर हुआ है और उसमें 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। अभी साउथ कश्मीर के कुकरनाग गडोल एरिया में जो एनकाउंटर चल रहा है वो अभी लगातार जारी है, आज 4th दिन है और अभी ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। किसी मिलिटेंट के मारे जाने की यहां पे कोई अभी खबर नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद आज दिन में ये ऑपरेशन जो है ये खत्म किया जाएगा, उसके बाद ही मीडिया से बात की जाएगी पुलिस या आर्मी की तरफ से और बाकी डिटेल्स आएंगी। तो 3 तस्वीर इसी के साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं आतंकियों से मुठभेड़ जो कि बीते 4 दिनों से लगातार जारी थी। और इन सब के बीच बड़ा अपडेट, बड़ी खबर यही है कि 3 आतंकी अब तक ढेर किए जा चुके हैं। एक की तस्वीर भी सुरक्षा बलों की तरफ से जारी की गई है। उधर सर्च ऑपरेशन अब भी सुरक्षा बलों का जारी है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें, लेकिन स्थिति अब नियंत्रण में। 3 आतंकवादियों को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, कुछ जगहों पर लगातार ऑपरेशन जारी। लगातार ऑपरेशन जारी है, लेकिन आपको इस बीच जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से एक और बड़ी अपडेट बता दें। यहां आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों के जवान पिछले 4 दिनों से मोर्चा संभाले हुए हैं। अनंतनाग के जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश जारी है। इन जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। जंगलों में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए जवानों ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जवानों ने ड्रोन की मदद से आतंकियों के ठिकानों को विस्फोट करके उड़ा दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। वहीं इन तस्वीरों में एक आतंकी वहां से भागता हुआ भी दिखाई दिया था। तो अनंतनाग में पिछले 4 दिनों से आतंकियों के खिलाफ लगातार जो मोर्चा है वो संभाला हुआ है, लेकिन हम आपको
5 तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि हालात किस तरीके से वहां पर बने हुए हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, एनकाउंटर भी लगातार किया जा रहा है। पाकिस्तान कश्मीर घाटी में हमला करके बुरी तरीके से फंस गया है, अब उसे वो कीमत चुकानी पड़ेगी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सेना ने आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। आपको भारतीय सेना के ऑपरेशन की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ सेना के जवान आतंकियों की तलाश के लिए बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं तो वहीं आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, आतंकी ठिकाने तबाह हो गए हैं, आतंकियों की घेरेबंदी है, साथ साथ सेना का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। तो कुल मिलाकर अब आतंकियों की खैर नहीं क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तानी सेना एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी रफत अब्दुल्ला ने कुछ देर पहले कुछ क्रूशियल इनपुट्स भेजे हैं, सीधा उस इनपुट्स का रुख करेंगे। देखिए ये जो ऑपरेशन है ये लगातार जारी है, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा ये क्या पाना मुश्किल है, लेकिन अभी ऐसा है कि बादल छाए हुए हैं, अगर बारिश होती है तो बहुत बड़े पैमाने पे बाधा आ सकती है इस ऑपरेशन में, क्योंकि जिस लोकेशन पे ये ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे इर्द गिर्द जंगल हैं और इन जंगलों में जिस तरीके से मैं दूर से भी दिखाना चाहूँगा ये जो फॉरेस्ट एरिया है ये हर तरफ से है, जो ही यहाँ पे अगर बारिश होती है क्योंकि आर्मी जो है चप्पे चप्पे पे मौजूद है, न सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे ये एनकाउंटर हो रहा है बल्कि किश्तवाड़ तक जो है विजिल बढ़ा दिया गया है, मुगल रोड पर विजिल बढ़ा दिया गया है और इन जंगलों में अगर बारिश का सिलसिला शुरू होगा तो उसमें बाधा आएगी, ड्रोन को ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा और पहाड़ों पर सामान पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा, हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं कि थोड़ा सा वो दिखाएं इस साइड से, आप देख सकते हैं कि बादल छा गए हैं, बारिश कभी भी हो सकती है, हालांकि बाला इलाकों में प्रिडिक्शन की गई है कि बारिश हो सकती है, अगर बारिश शुरू हुई तो बहुत ज़्यादा बाधा हो सकती है इस ऑपरेशन को कैरी करने में, क्योंकि लगातार पिछले 3 दिनों तक मौसम अच्छा रहा, इसी वजह से न सिर्फ दिन में बल्कि रात भर यह ऑपरेशन जारी रहा और अब इस ऑपरेशन में एक ही चैलेंज है कि अगर बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो ऑपरेशन में बाधा आ सकती है। अभी किसी मिलिटेंट के मारे जाने की कोई खबर पुलिस या आर्मी ने नहीं दी है।